Welcome to Splendid Mom. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. हेलो मम्मीज, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। आज हम देखेंगे इंग्लिश लेटर्स ए टू जेड के जो फोनिक साउंड्स होते हैं उन्हें हिंदी में आप कैसे लिख सकते हैं। फोनिक साउंड्स आजकल बहुत जरूरी है। स्कूल में ए फॉर एप्पल के बजाय आजकल ए ए एप्पल इस तरह से पढ़ाया जाता है। अगर फोनिक साउंड्स बच्चे को आएंगे तो उसे इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ना आसान लगेगा। सो आइए देखते हैं फोनिक साउंड्स। लेटर ए, ए का साउंड होता है ए, ए ए एप्पल इस तरह से। बी, बी का साउंड होता है ब, ब ब बैट। सी, सी का साउंड होता है क, क क क कैट। इस तरह से हर लेटर का साउंड अगर बच्चे को पता है तो उसे पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट है ड, ड ड डॉग। ई, ई का साउंड होता है ए, ए ए एग, ए एग। ए का साउंड होता है ए और ई का साउंड होता है ए। एफ, एफ का साउंड होता है फ, फैन। नेक्स्ट है जी, जी का साउंड होता है ग, गोट, ग ग गोट। एच, एच का साउंड होता है ह, ह ह हेन। नेक्स्ट है आई, आई का साउंड होता है ई, छोटी ई, ई ई ई आइस। इग्लू। नेक्स्ट है जे, जे का साउंड होता है ज, ज ज जैम। फोनिक साउंड्स के हेल्प के थ्रू बच्चे आसानी से वर्ड को पढ़ पाएंगे। के, के का साउंड होता है क, कैंगरू। एल, एल का साउंड होता है ल, ल ल लायन इस तरह से। नेक्स्ट है एम, एम का साउंड होता है म, म म मैंगो। एन, एन का साउंड होता है न, न नेस्ट। नेक्स्ट है ओ, ओ का साउंड होता है ओ, ओ ओ आउल। नेक्स्ट है पी, पी का साउंड होता है प, प प पैरेट। नेक्स्ट है क्यू, क्यू का साउंड होता है क्यू, क्यू क्वीन। नेक्स्ट है आर, आर का साउंड होता है र, र र रैट। नेक्स्ट है एस, एस का साउंड होता है स, स स सन। नेक्स्ट है टी, टी का साउंड होता है ट, ट ट टेंट। नेक्स्ट है यू, यू का साउंड होता है अ, पहला अ, अ अ अम्ब्रेला इस तरह से। ए का साउंड होता है ए, ई का साउंड होता है ए और यू का साउंड होता है अ। जैसे यूपी अप होता है अप, उसी तरह से अ। नेक्स्ट है वी,
वी का साउंड है व, वैन। नेक्स्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू का साउंड है वह, थोड़ा सा ह का साउंड इसमें लगता है वह, जैसे वेब। नेक्स्ट है एक्स, एक्स का साउंड है क्स, क्स, बॉक्स या फिर एक्स रे। नेक्स्ट है वाई, वाई का साउंड होता है य, याक। और आखिर में है जेड, जेड का साउंड होता है ज, जू। इस तरह से अगर बच्चे को हर लेटर का साउंड पता होगा तो उसे पढ़ने भी आसानी होगी। बच्चों को इसी तरह से आप पढ़ाइए, ए ए ए एप्पल, बी ब ब बैट, इस तरह से। सो हर लेटर का साउंड, फोनिक साउंड जो होता है वो उसे अच्छी तरह से याद रखेगा और इसके बाद ब्लेंडिंग के थ्रू वो स्मॉल स्मॉल वर्ड्स को पढ़ना सीखेगा। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियोज़।